हेलो, मेरा नाम है चंद्रहास। स्टडी स्मार्ट में आपका स्वागत है। दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम देखेंगे स्क्वायर सेटिंग अरेंजमेंट का एक प्रॉब्लम। इस तरह के जो प्रॉब्लम्स हैं ये आपके IBPS PO में प्रीलिम्स में पूछे गए हैं और आगे आने वाले एग्ज़ामों में भी प्रीलिम्स में पूछे जा सकते हैं। हालाँकि मैं यहाँ पर कहना चाहूँगा कि यहाँ पर जो प्रॉब्लम है, ये जो PO प्री में पूछा गया था क्वेश्चन, उससे थोड़ा सा ज़्यादा लेंदी हो सकता है, टाइम टेकिंग हो सकता है, क्योंकि PO में जो क्वेश्चन पूछा गया था उसमें कुछ चीज़ें आपके आसानी के लिए दी हुई थी जो यहाँ पे नहीं गिवन है। तो प्रॉब्लम देखते हैं, कैसे सॉल्व करेंगे इसको भी हम समझते हैं। और आप अगर तैयारी कर रहे हैं एग्ज़ाम्स की तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि आपको इस तरह के सारे वीडियोज़ मिलते रहें। तो ये आपकी प्रॉब्लम है, दो पैराग्राफ में ये प्रॉब्लम है। जो पहला पैराग्राफ है इसका बेसिक इन्फो प्रदान करता है, मतलब इसमें लिखा गया है कि 8 लोग किसी स्क्वायर टेबल के चारों तरफ बैठे हुए हैं। तो टेबल स्क्वायर नहीं भी बने तो टेंशन मत लीजिएगा, उसका नंबर ना तो मिलता है ना तो कटता है। और क्या लिखा गया है कि जो चार लोग हैं ये कॉर्नर पे बैठे हुए हैं कुछ इस तरीके से, और जो चार लोग हैं वो साइड्स के मिडिल पे बैठे हुए हैं। जो कॉर्नर में बैठे हुए लोग हैं उनका चेहरा बाहर की तरफ है, आउटसाइड फेस करें। जो मिडिल पे हैं उनका चेहरा अंदर की तरफ है, इनसाइड फेस कर रहे हैं। बस इतना ही लिखा गया है। बाकी वो 8 लोग हैं कौन, इसके बारे में हम प्रॉब्लम जब देखेंगे तो उसमें समझ में आएगा कंडीशंस के अनुसार। ओके, तो चलिए कंडीशंस को देखते हैं। तो आप चाहें तो स्टार्ट में ही बना सकते हैं ये अपने स्क्वायर टेबल, क्योंकि आपको यहाँ पे अब अरेंजमेंट करना है कंडीशन के अनुसार। और अगर किसी का फिक्स प्लेस मिलता रहेगा तो हम उसको उसी क्रम में बैठाते रहेंगे। ओके, तो ये आपके ऊपर है, नहीं भी बनाएं तो कोई मतलब बुरी बात नहीं है, लेकिन बना लीजिए ज़्यादा अच्छा है। तो ये 8 लोग ऐसे बैठ गए। लिखा हुआ है देयर आर 2 पर्सन सिट बिटवीन ए एंड डी, ए और डी के बीच में 2 पर्सन बैठते हैं। लेकिन यहाँ पे ए और डी का डायरेक्शन नहीं गिवन है कि इनसाइड है आउटसाइड फेसिंग है, तो आप कैसे बिठा सकते हैं, किसी को बिठा नहीं सकते। ए को यहाँ पे बिठाइए, फिर आप डी को कहाँ पे बिठाएंगे, या फिर ए यहाँ भी हो सकता है तो आप डी को उसके अनुसार बिठाएंगे। तो यहाँ पे कन्फ्यूज़न है, तो आप इसको कंडीशन के तौर पे लिख लीजिए। हो सकता है आगे चल के क्लियर हो जाए कुछ सिनेरियो, तो आपको फिर से यहाँ पे मिटाना नहीं पड़ेगा, डायग्राम हटाना नहीं पड़ेगा, वो सब से आप बच सकते हैं। फिर लिखा हुआ है ई सिट्स सेकेंड टू द राइट ऑफ एफ, कि जो ई है वो एफ के राइट में सेकेंड पे बैठता है। फिर से वही बात, एफ की डायरेक्शन नहीं पता, ये पता है कि एफ के राइट में बैठ रहा है सेकेंड पोजिशन पर ई। तो हम एफ की डायरेक्शन अज्यूम कर लें कि एफ अगर ऐसे डायरेक्शन में है जैसे आप बैठे हुए हैं, तो जो आपका राइट है वही एफ का राइट है, तो एक और दूसरे पोजिशन पर आ जाएगा ई। सर्कल इसलिए यहाँ पे किया हुआ है डायरेक्शन पे कि ये अज्यूम किया हुआ है। फिर लिखा हुआ है ओनली 1 पर्सन सिट बिटवीन ई एंड बी, एंड बी इज़ नॉट द इमीडिएट नेबर ऑफ डी, कि ए ई और बी के बीच में केवल 1 पर्सन बैठ रहा है। तो हम ई और बी के बीच में केवल 1 पर्सन को ऐसे बिठाते हैं। और क्या कह रहा है कि बी जो है वो डी का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो आप इसको कंडीशन 4 के तौर पर लिख सकते हैं, या फिर इसी में आगे लिख सकते हैं कि बी जो है वो डी के दोनों तरफ नहीं आ सकता। अब यहाँ पे एक कन्फ्यूजिंग बात ये हो सकती है आपके लिए कि यहाँ पे इमीडिएट शब्द मिसिंग है। अगर आपको ऐसा लग रहा है कि कन्फ्यूज हो सकते हैं आप, तो यहाँ पे इमीडिएट शब्द लिख लीजिए मेरी तरफ से। फिर लिखा गया है सी इज 2 प्लेसेस अवे फ्रॉम एच, कि जो सी है वो 2 प्लेसेस दूर है एच से। अब ये कंडीशन काफ़ी सिंपल सी है लेकिन कन्फ्यूजिंग भी है। अगर आप इसको इस तरीके से लिखते हैं कि सी और एच के बीच में 2 पर्सन का गैप है, तो आप गलत कर रहे हैं। क्यों? क्योंकि यहाँ पे कह रहे हैं कि सी जो है वो एच से 2 प्लेसेस अवे है, ना कि उनके बीच में 2 लोग हैं। तो एग्ज़ाम में अगर ऐसी गलती करते हैं तो फिर वही होता है कि एग्ज़ाम का प्रेशर होता है, ऐसी गलतियाँ हो सकती हैं, लेकिन ना करें तो ज़्यादा अच्छा है। इसका मतलब सिर्फ ऐसे है जैसे यहाँ पे देखिए ई को आप कह सकते हैं एफ से 2 प्लेसेस अवे है, कुछ वही बात यहाँ पे कही जा रही कंडीशन नंबर 5 में। तो इसका मतलब क्या हुआ, अब यहाँ पे राइट और लेफ्ट तो दिया नहीं है, तो आप ऐसे ही दिखाएंगे कि सी और एच के बीच में 1 पर्सन का गैप है। ओके, तभी तो अब सी इधर होगा तो एस से 2 प्लेसेस अवे, सी इधर होगा तो एस से 2 प्लेसेस अवे। ओके, नेक्स्ट क्या लिखा हुआ है, ए एंड सी आर इमीडिएट नेबर्स ऑफ ईच अदर, कि ए और सी जो हैं वो एक दूसरे के इमीडिएट नेबर्स हैं। तो इसको भी हम ऐसे दिखा देते हैं, इमीडिएट नेबर्स हैं। फिर आगे क्या लिखा हुआ है, सी इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ एफ, कि जो सी है वो एफ का इमीडिएट नेबर नहीं है। तो इसको आप ऐसे दिखाइए, सी जो है एफ के दोनों तरफ नहीं आ सकता, सीधी सी बात है। फिर आगे लिखा हुआ है जी इज़ नॉट फेसिंग इनसाइड, ध्यान रखिएगा यहाँ पे नॉट लिखा है, बहुत सारे लोग नहीं पढ़ पाते हैं या फिर जल्दीबाजी में पढ़ना भूल जाते हैं। मतलब इसका है कि जी इनसाइड फेस नहीं कर रहा है, मतलब जी का फेसिंग किधर है, तो वो है आउटसाइड।
ओके ये लिखा गया है। फिर आगे देखिए लिखा है एच इज़ नॉट एन इमीडिएट नेबर ऑफ ई, कि जो एच है वो इमीडिएट नेबर नहीं है किसका, ई का। ओके तो आप इसको ऐसे क्रॉस कर दीजिए कि ई का इमीडिएट नेबर एच नहीं होगा। ओके बात समझ में आई। अब ये सारी कंडीशंस आपकी बन गई, लेकिन कहीं भी किसी का एक एग्जैक्ट प्लेस आप नहीं बता सकते। आठवीं कंडीशन को छोड़ दीजिए कि जी का जो फेस है वो आउटसाइड है। अब आप यहाँ से अगर स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम तो आपको कोई हेल्प नहीं मिलेगी। थोड़ा सा दिमाग पे प्रेशर डालिएगा कि जी का फेस तो पता है आउटसाइड है, लेकिन आप जी को कहीं भी बिठा नहीं सकते। क्यों? क्योंकि जी की रिलेशनशिप ही किसी से नहीं है, एकदम आइसोलेटेड है जी। अगर आप देखिए एक से नौ कंडीशन में जी के चर्चा केवल एक बार हुई और कहीं भी जी किससे किस तरह रिलेटेड कुछ पता नहीं, तो आप जी को कहाँ पे बिठाएंगे? जी को यहाँ पे बिठा दीजिए तो आप बाकियों को कैसे बिठाएंगे, कुछ पता नहीं। तो इसलिए आप जी से हेल्प नहीं ले सकते। बस इतना पता है कि जी बाहर की तरफ फेस करेगा। तो ऐसे आप चेक कर सकते हैं, मान लीजिए बाहर के चारों प्लेसेस अगर भर जाते हैं बाहर की तरफ फेस करने वाले, तो इसका मतलब ये आपकी जो पॉसिबिलिटी है वो गलत है, क्योंकि जी के लिए एक प्लेस तो कहीं ना कहीं चाहिए ही। ओके तो चेक करने के लिए आप कर सकते हैं, वरना आपके लिए हेल्पफुल नहीं कंडीशन नंबर आठ। तो कहाँ से शुरुआत करें? तो आप किसी और कंडीशन से शुरुआत कर सकते हैं, किसी भी कंडीशन से शुरुआत कर लीजिए। किसी का डायरेक्शन गिवन नहीं है तो आपको यहाँ पे चीज़ें अज्यूम करनी ही पड़ेंगी। ओके कहीं से भी स्टार्ट करिए, ए से स्टार्ट कर लीजिए या फिर यहाँ पे पहले से ही स्टार्ट कर लीजिए। ए डी है, फिर डी रिलेटेड है किसी तरह बी से, कि बी नहीं आ रहा है, बी ई से रिलेटेड है, ई एफ से रिलेटेड है, फिर ए सी से रिलेटेड है, सी एस से रिलेटेड है। तो बहुत सारी कंडीशन आपकी पहली वाली कंडीशन से मैच कर रही हैं, तो यहीं से स्टार्ट करें। अब ए को कहाँ रखें, इनसाइड या आउटसाइड? तो शुरुआत में हम ए को इनसाइड फेसिंग ही रखते हैं। अब यहीं पे जो कहते हैं कि लक भी मैटर करता है एग्ज़ाम में, वो काम जो है यहीं से होगा। अगर आपने जो पॉसिबिलिटी ली है पहली बार में ही सही होती है तो आपके लिए बहुत सारा समय बच जाता है। अगर आपकी जो पॉसिबिलिटी हो सबसे आखिरी में जाकर के सही होती है बहुत सारे डायग्राम बनाने के बाद, तो वहीं पे आपका बहुत सारा समय चला गया और उसकी वजह से आपका जो नंबर है वो तो मिल गया, लेकिन और सारे जो नंबर मिलने थे वो रह गए। तो यहाँ पे अगर हम ए को लेते हैं तो डी को कहाँ पे ले सकते हैं? या तो इधर ले सकते हैं या तो इधर ले सकते हैं। तो हम एक पॉसिबिलिटी लेकर के चलते हैं कि मान लीजिए हम डी को यहाँ पे ले लेते हैं, तब क्या होगा? तब होगा ये कि हम बाकी जैसे सी है, ए जो है सी का इमीडिएट नेबर है तो सी इधर इधर कहीं भी आ सकता है। तो अगर हम मान लीजिए सी को यहाँ पे रखें तो हमारे ज़्यादा कन्वीनियंट क्या होगा, सी अगर यहाँ पे रहेगा तो एच आपका यहाँ पे आ जाएगा, क्योंकि एच यहाँ पे नहीं आ सकता, डी यहाँ पे पहले से ही है। यहाँ पे अगर सी को रखते हैं तो एच के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं। सबसे पहले हम इसी को चेक करते हैं। अगर ऐसा रखते हैं तो कंडीशन नंबर तीन अब देखें कि ई और बी के बीच में एक पर्सन का गैप है, तो ई कहाँ पे आ सकता है? तो देखिए बी यहाँ और यहाँ पे नहीं आ सकता कंडीशन नंबर चार के अनुसार। तो इसका मतलब ई यहाँ पे अगर हम रख दें तो बी कहाँ पे आएगा? इधर नहीं बल्कि कहाँ पे? इधर। बी अगर इधर आ गया तो आपको क्या पता है, दो प्लेस खाली रह गए, ये और ये। फिर एक प्लेस पे तो जी है ही, सीधी सी बात है, चार प्लेस यहाँ पे हैं आउटसाइड के, एक प्लेस पे तो जी है, एक प्लेस खाली था तो वहाँ पे जी को बिठा दिया। तो बाकी का जो बचा प्लेस वहाँ पे कौन आ जाएगा? एफ आ जाएगा। एफ के लेफ्ट में ई आ रहा है तो कंडीशन नंबर जो दो है वो कहती है एफ़ के राइट में ही आना चाहिए, तो यहीं से वायलेशन हो गया इस कंडीशन का। दूसरा वायलेशन कहाँ पे हो रहा है? सी और एफ़ क्या हैं? इमीडिएट नेबर्स हैं। ओके तो अगर आप सोच रहे हो कि अगर हम इसका उल्टा कर दें, क्या कर दें कि हम एच को यहाँ पे कर दें और सी को यहाँ पे कर दें, तो क्या होगा? तो इससे केवल एक वायलेशन खत्म होता है, क्या कि जो F है वो C के इमीडिएट नेबर नहीं, लेकिन अभी भी जो यहाँ पे F है वो F के लेफ्ट में ही E आ रहा है। दूसरा आप ये भी कह सकते हैं कि मान लीजिए हम H को यहाँ पे ना रखें तो कहाँ पे रख सकते हैं? हम H को यहाँ पे रख सकते हैं G की जगह पे, तो क्या हो गया, H को यहाँ रख देते हैं तो G आपका ऑटोमेटिकली यहाँ पे आ जाएगा। तो उससे भी क्या F की कंडीशन बदलती है? नहीं बदलती है, F तो वहीं पे ही रहेगा। तो इसका मतलब जो सारा यहाँ पे खेल हो रहा है वो इस D की वजह से हो रहा है, C और H की वजह से नहीं। D की पोजीशन ये फिक्स है, इस वजह से सारी चीज़ें बदल रही हैं। तो हम इस D को हटा देते हैं, फिर हम इसको अब दूसरी जो पॉसिबिलिटी है कि D को यहाँ पे रख के देखते हैं क्या सॉल्व हो पाता है। अब हम D को यहाँ पे रख दें। ओके अब D को यहाँ पे रखा तो E को कहाँ पे रख सकते हैं? E यहीं पे रखते हैं। B को कहाँ रख सकते हैं? B को यहाँ पे रखते हैं। अब यहाँ पे C और H वाली जो कंडीशन है, अब आप इसको कैसे कर सकते हैं, मान लेते हैं C को इधर रख देते हैं और H को इधर रख देते हैं, ऐसा कर लेते हैं। तो जो F है वो कहाँ पे आ सकता है? तो F आ जाएगा यहाँ पे। अगर ऐसा हुआ तो देखिए C और F क्या हो गए? फिर से पड़ोसी हो गए। इसका मतलब क्या हो गया कि हम C को इधर रखते हैं और H को इधर रखते हैं। ओके
ऐसा करेंगे तो ये वॉयलेशन नहीं होगा। और देखिए एफ के राइट में सेकंड पे ई आ गया, फिर हम जी को यहाँ पे रख सकते हैं। और ये सारी जो पॉसिबिलिटी है वो आपकी एकदम सही हो रही है कंडीशन के अनुसार। एक कन्फ्यूजन आपके दिमाग में हो सकती है कि एच को यहीं पे क्यों रखें, हम एच को यहाँ भी रख सकते हैं। पिछले वाले जो अभी पॉसिबिलिटी थी उसमें भी एच को हमने ऐसे रखा था और वहाँ पे इस बात को बताना भूल गए थे, कंडीशन नंबर 9 जो है ई एच का पड़ोसी नहीं हो सकता, ई यहाँ पे एच यहाँ पे आ ही नहीं सकता, तो एच आप यहाँ पे नहीं रख सकते। ओके क्यों, शुरुआत में भी एच रखेंगे तो उससे ई नहीं रख पाएंगे आप, जब ई आप नहीं रख पाएंगे तो आपकी जो ये कंडीशन है सारी वॉयलेट ही हो रही हैं, तो आप इसको बना नहीं पाएंगे। सीधा सा बात है एच यहाँ पे होगा तभी ये आपका पूरा जो अरेंजमेंट है वो सही से बन पाएगा। तो यही है इसका करेक्ट अरेंजमेंट, सेकेंड टाइम में आपने बना लिया, आपको भी कंग्रेचुलेशन। और ये आप अगर एग्ज़ाम में कर लिए पहली बार में तो बहुत अच्छा है। तो ये इसका करेक्ट अरेंजमेंट हो गया। जब करेक्ट अरेंजमेंट हो गया तो आपके दिमाग में अभी शंका हो रही होगी, एक यहाँ पे था हो गया, अगर हम ए को आउटसाइड कहीं रखें तो भी क्या ये हो पाएगा। तो जिन लोगों को कन्फ्यूजन है वो यहाँ पे मेरे साथ बने रहें, जिनको केवल इसका आंसर जानना था यहाँ पे आंसर ख़त्म होता है, आप आगे बढ़ सकते हैं। ओके और अगर आप यहाँ पे रुके हुए हैं तो आगे की और जो पॉसिबिलिटीज़ हैं उनको भी हम चेक करते हैं और देखते हैं कि क्या कोई और यहाँ पे सोल्यूशन मिल सकता है इसका, और अगर मिल सकता है तो एग्ज़ाम में आपके साथ क्या होगा, उसका नंबर आपको कैसे मिलेगा, वो सारी चीज़ें हम यहाँ पे देखते हैं। तो चलिए एक डायग्राम हमने और बना लिया है। अब ए को अगर हम आउटसाइड कर दें, आउटसाइड फेसिंग है ए, यहाँ पे आ गया, फिर से वही डी के लिए दो पॉसिबिलिटीज़ हैं। एक पॉसिबिलिटी हम लेकर के चलते हैं, डी को यहाँ पे रखें दो प्लेस का गैप छोड़ करके। अगर डी यहाँ पे आएगा तो ई और बी कहाँ पे आ सकते हैं। ओके अब आपको ये पता है कि सी और एच के लिए ये पोजीशंस हैं, सी यहाँ पे एच यहाँ पे, या फिर इसका उल्टा भी हो सकता है। आपको पता है इसका उल्टा भी हो सकता है, यहाँ पे ऐसे भी कर सकते हैं सी स्लैश एच, इनकी ये पोजीशंस तो आपकी फिक्स ही हैं क्योंकि एच आप दूसरी तरफ ले जाएंगे तो ई का पड़ोसी हो जाएगा, वो आपको पता है। तो अगर ऐसा होता है यहाँ पे तो क्या होगा कि यहाँ पे अगर आप रखें ई को, ई को कहाँ पे रख सकते हैं, ई को यहाँ पे रख सकते हैं, तो बी कहाँ पे आएगा, एक प्लेस छोड़ करके बी यहाँ पे आ जाएगा। ओके देखिए ई यहीं पे आएगा, अगर आप सी को यहाँ पे रखते तो एच को आप एक प्लेस छोड़ करके एक एच को यहाँ पे ही तो रखते, एच को यहाँ पे रखते फिर से ई का पड़ोसी हो जाता, इसीलिए कह रहे हैं कि वो आपकी पॉसिबिलिटी तो आप कंडीशन नंबर 9 के अनुसार वो गलत ही होगी हर बार, तो उसको सोचिए नहीं। अगर ऐसा हो गया तो आपको पता है जी कहाँ पे आएगा, एक ही प्लेस आउटसाइड है फेसिंग है, यहाँ पे आ जाएगा। एफ कहाँ पे आएगा, फिर यहाँ पे आएगा जो कि इसका पड़ोसी हो गया, जबकि होना क्या चाहिए था, एफ के राइट में सेकंड पे ई होना चाहिए था। कहाँ से गड़बड़ी हुई, आपको पता है डी से ये गड़बड़ी हुई है। अब डी को हम यहाँ पे रख दें, जो दूसरी पॉसिबिलिटी है इसको हटा दें, देखते हैं, ये तो गलत हो गया, ये तो पूरा हो ही नहीं पाया। अब दूसरा हम देखते हैं इसकी पॉसिबिलिटी क्या हो सकती है। अब दूसरा देखिए, हम डी को यहाँ पे रख सकते हैं, सी और एच को मैंने ऐसे ही रहने दिया है, आपको पता है क्यों रहने दिया है। अगर ऐसा होगा तो अब जो है ई और बी के लिए क्या कंडीशन होगी, ई आपका यहाँ पे आएगा, ई अगर यहाँ पे आया तो बी आपका इधर तो आ नहीं सकता, डी का पड़ोसी हो जाएगा, एक दो स्थान छोड़ करके बी यहाँ पे आ जाएगा। बी अगर यहाँ पे आता है तो आपके लिए ये आप कन्फ्यूज़न होगी फिर से कि जी आपका यहाँ पे आए क्योंकि एक प्लेस खाली है और जी आउटसाइड फेसिंग ही है, फिर से एफ यहाँ पे आ जाएगा, फिर से वही हुआ, एफ ई का पड़ोसी हो गया जबकि एक प्लेस दूर होना चाहिए था, फिर से वही कंडीशन आपकी हो गई, ये भी आपका गलत हो गया। अब सी और एच से तो कोई मतलब हो नहीं रहा है कि आप सी को इधर उधर करिए, उससे कुछ फ़ायदा होगा, कुछ नहीं, जो मतलब यहाँ पे निकल रहा है वो आपकी जो कंडीशन वॉयलेशन है वो यहीं से आ रहा है। जी आउटसाइड फेसिंग रहेगा तो आपके लिए एफ के लिए यही जगह बचेगी जो कि हर एक तौर पे गलत ही हो रही है। तो कुछ भी आप डायग्राम बनाइए और आपको इसका कोई सोल्यूशन मिलेगा नहीं, एक ही सोल्यूशन है जो कि यहाँ पे गिवन है और यही आपका करेक्ट सोल्यूशन है। बाई चांस अगर आपको एग्ज़ाम में इसका कोई और सोल्यूशन मिल जाता तो ऐसे केस में वो या तो क्वेश्चन रद्द कर दिया जाता है, या मतलब उसमें जैसे मान लीजिए आपका 35 नंबर का रीजनिंग का टेस्ट है तो इवेल्युएशन फिर 34 नंबर में ही सही होगी सबकी। ओके चाहे किसी ने अटेम्प्ट किया हो चाहे ना किया हो, बस यहाँ पे आपके लिए नेगेटिव पॉइंट क्या रहता है कि आपने अगर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट किया है तो जो टाइम आपको लगा है इस क्वेश्चन को करने में वो कंपनसेट नहीं हो पाता है, इतना आपके लिए कह सकते हैं नेगेटिव पॉइंट रहता है। या तो ऐसा किया जाता है कि सबको उसका नंबर दे दिया जाएगा, ओके जिसने किया हो जिसने ना भी किया हो सबको उसका नंबर दे दिया जाएगा, क्योंकि किया है नहीं किया वो आंसर से ही पता चलता है, अगर आपने उसको टिक किया तो मतलब किया है, नहीं टिक किया है तो उसका मतलब ये नहीं है कि आपने किया नहीं है, हो सकता है आपने रफ में किया हो लेकिन जब आपको दो यहाँ पे सॉल्यूशन मिले हो तो आपने कंफ्यूज होकर के उसको टिक ही ना किया हो,
ओके तो इसलिए उसका सबको नंबर दे दिया जाएगा, एक नंबर सबको मिल जाएगा। तो ऐसे केस में कह सकते हैं कि वहाँ पे कंपटीशन फिर से वही बराबर हो जाएगा, जो इवेल्यूएशन है वो 34 नंबर से ही होगी कि उस बाकी के बचे 34 नंबर में आपको कितने नंबर मिल रहे हैं। ओके तो ये केस होता है अगर क्वेश्चन के दो आंसर सही होते हैं तो। ओके बाकी इसका केवल एक ही आंसर सही है। और अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा है, समझ में आया है, तो वीडियो को आप लाइक ज़रूर करिएगा और अपने दोस्तों तक भी इस वीडियो को पहुंचाइएगा शेयर करके किसी भी माध्यम से, फेसबुक, व्हाट्सअप, ट्विटर, जैसे जो भी आप फॉलो करते हो। और आपको अगर इस तरह की वीडियोस और चाहिए तो आप मुझे कमेंट करके बताइएगा ज़रूर। और आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। अब हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए हैव अ नाइस डे एंड बाय।